बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कय्यम महर, आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। अगर आज आपने इंडिया वाला और श्रीलंका वाला फाइनल देखा है तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं है मोहम्मद सिराज ने आज क्या किया। मोहम्मद सिराज के हवाले से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या बॉलिंग करता है, क्या स्पेल डालता है, क्या आउट स्विंग करता है, क्या इन स्विंग करता है। मोहम्मद सिराज एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके वालदे मोहतरम रिक्शा चलाते हैं। जब ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं स्ट्रगलिंग करके टीम इंडिया में जगह बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर रहता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने झंडे गाड़ देते हैं। इनको न्यूज़ मिलती है इनके वालदे मोहतरम इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन पर क्या बीतती है। किसी भी लड़के के लिए अपने पेरेंट्स की मौत का सबसे बड़ा दुख होता है, इन पर भी वो बीतता है, लेकिन ये लड़का हिम्मत नहीं हारता। ये मुसलसल टीम इंडिया के लिए कमाल की, जैसे कहते हैं ना एब्सोल्यूट वेल, उस तरह के परफॉर्मेंस दिखाता है। डे बाय डे अपनी बॉलिंग में मजीद निखार लाता है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे वो जोन सी मर्जी लीग हो, चाहे वो जिस मर्जी टीम की तरफ से खेल रहे हो लीगों में। इंडिया के जाने से आते हैं वन ऑफ द मेन अटैकर कहने को बुमराह, लेकिन परफॉर्मेंस वाला रोल ये निभाते हैं। बुमराह भी अच्छी करते हैं, लेकिन इनका अलग ही जलवा है। आज फाइनल मुकाबले में दूसरे ही ओवर में अपने 4 विकेटें ले देना श्रीलंका की कंडीशंस के अंदर, श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर, श्रीलंका के क्राउड में, श्रीलंका के मेन घर कोलंबो में, फाइनल मुकाबले में जहां श्रीलंका का ही सारा कुछ बैठा हुआ था, क्राउड टॉस तक उनके हक में था, टॉस भी श्रीलंका ने जीता था, उस ग्राउंड में, उस कोलंबो के ग्राउंड में ये लड़का अपने दूसरे ओवर में 4 विकेटें ले देता है। टीम इंडिया को यकीनी तौर पर इस एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में कलीदी किरदार अदा करता है। जब यह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट टीम इंडिया जीतने के बिल्कुल करीब है, 4-5 रन रह चुके हैं, 50 रन पर श्रीलंका की सारी टीम को ढेर करने में कलीदी किरदार अदा करता है। इसकी तारीफ करने पर मैं भी मजबूर हो चुका हूँ, एज अ पाकिस्तानी हम नहीं सोच रहे, हम एज अ क्रिकेट फैन सोच रहे हैं, जिस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस है दिल से तारीफ नहीं कर रही है। एक ऐसा लड़का जिसका बैकग्राउंड इतना बिलो, अंडर बिलो, उसकी इस तरह की टीम के इंडिया के लिए परफॉर्मेंसेस, लेकिन दैट सल्यूट बनता है टीम इंडियन मैनेजमेंट को, इंडियन स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एक इस तरह प्लेयर को, इस तरह के प्लेयर को बैक करते हैं, और फाइनेंशियल इशू वाले प्लेयर भी टीम इंडिया की नुमाइंदगी करते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर पाकिस्तान को भी नीड है। इंडिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इससे पहले भी बहुत दफ़ा उसकी मैं तारीफ कर चुका हूँ, लेकिन मोहम्मद सिराज आज मियां बाई वाली परफॉर्मेंस दिखाई है। 6 विकेटें लेते हैं 21 रन देकर, बड़ा यूनिक, बहुत बड़ा वकार यूनस का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कौन तोड़ते हैं? यही हमारे मियां बाई। कमाल की परफॉर्मेंस, वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड हिंदुस्तान, वेल प्लेड भारत, वेल प्लेड मोहम्मद सिराज, वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड टीम इंडियन क्रिकेट टीम, एब्सोल्यूट वेल। आप ट्रॉफी की यकीनी तौर पर हकदार थी, जब आप श्रीलंका आपने लैंड किया था उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज इस लेवल की नहीं थी, लेकिन आप ट्रॉफी ही आप किया। मैं आप तारीफ करना चाहूँगा इस लड़का, क्यों ये ICC की ODI रैंकिंग में नंबर 1 गया है मुझे अब पता चला था। मैं तनकीद करता था कि ICC रेटिंग ज़्यादा देता है इंडियन बल्लेबाजों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी वन साइडेड मैच के बिल्कुल जिस प्रॉस्पेक्टस से हुआ करती हैं, डोमिनेंस नज़र आती है, इसीलिए इनको रेटिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।